हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो पिले लास्ट आमर गोटे चैप्टर सरी जाइए, चैप्टर वन जोटारे कि ओनली आमर हार्डवेयर कनसेप्ट थिला। हार्डवेयर कौन, हार्डवेयर रे सब को पार्ट इनवॉल्व हो के थाए आम जानले। ओके, एंड मु तुमको किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते चैप्टर वन रो। ओके, एंड ता रिलेटेड क्वेश्चन कौन अच्छे एंड आंसर को फॉर्मेट रे लिखा हे, तो आज से डिस्कस कर दबा। देन नेक्स्ट आम चैप्टर टू को जीवा। चैप्टर टू रे कौन थी आमर ना सॉफ्टवेयर पार्ट, तो सॉफ्टवेयर पार्ट भी आम आज टिके कवर करिवा। ओके, तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन थिला ना ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायग्राम कंप्यूटर, कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रे ब्लॉक डायग्राम करिवो एंड ताकु डिस्कस करिवो। ता माने फर्स्ट कौन लिखियो, क्वेश्चन वन रे कौन थिला ना व्हाट इज कंप्यूटर एंड ब्लॉक डायग्राम थिला, ब्लॉक डायग्राम थिला एंड ताकु डिस्कस करिया पें कहला एंड डिस्कस। अच्छा, मैं शॉर्ट रे लिखुची। ओके, तो फर्स्ट कौन रहबो, फर्स्ट पॉइंट रे लिखिबो ना डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फर्स्ट पॉइंट रे कंप्यूटर रो डेफिनेशन रहबो। नेक्स्ट रहबो हमरो ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम रे कौन रहबो ना इनपुट एंड सीपीयू एटा थिला, तो सीपीयू भितर तापर एटी कौन थिला ना आउटपुट थिला, एटा ही तो हमरो ब्लॉक डायग्राम। तो सीपीयू भितर कौन कौन थिला एटा जदि हम कहबे सीपीयू, तो एटी कौन थिला ना एएलयू, सीयू एंड तापर थिला मेमोरी। ओके, तो एटा थिला हमरो ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो आम जितेबाला मेनशन करवा से कौन कही ना डिस्कस करवाई क्वेश्चन रे, ता माने तुम्हें कौन कौन मेंशन करिवो ना इनपुट डिवाइस कौन मेंशन करिवो, ता परे कौन मेंशन करिवो ना सीपीयू को मेंशन करिवो ना सीपीयू कौन, सीपीयू कौन पाई यूज होउची, ता परे कौन लिखा हबो ना सीपीयू रूप रे लिखा हबो सीपीयू कौन, व्हाट इज सीपीयू। ओके, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यार काम कौन करे ना टोटल सिस्टम को कंट्रोल करे एंड इट इज ऑल्सो नोन आज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देन कौन मेंशन करिवो सीपीयू रे सब पॉइंट रे कौन थिवो ना एएलयू, देन आउ गोटे पॉइंट रे कौन थिवो ना सीयू, सॉरी सीयू, देन आमर रहिबो कौन ना मेमोरी यूनिट। देखो मेमोरी रे ओनली डेफिनेशन रहिबो एंड टाइप्स रहिबो। मेमोरी कौन, मेमोरी इज अ स्टोरेज पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज जनरली टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये लिख प्राइमरी अंडर लिखे, प्राइमरी अंडर कौन डेफिनेशन लिखे दरकार नहीं, ओनली सिंपल लिखिव ना मेमोरी इज अ स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज ऑफ टू टाइप, कौन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अंडर कौन कौन आसुची, प्राइमरी अंडर रे रैम एंड रोम, कौन लिखे प्राइमरी मेमोरीज आर रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी मेमोरी आर मेमोरीज आर कौन हार्ड डिस्क, एस एस डी, सी डी, डीवीडी, बस एति की सरला। देन लास्ट रे हमर कौन रहइबो ना आउटपुट। देखो तो ये जो क्वेश्चन अछि, क्वेश्चन रे तुमको एति की जिंस मेंशन करिया को पड़िबो एंड डायग्राम होछि इंपोर्टेंट हमर, हैला एथिरे भी डायग्राम इंपोर्टेंट। हमर जो कंप्यूटर रे कम्युनिकेशन सिस्टम अछि बा बस अछि सेथिरे भी हमर डायग्राम इंपोर्टेंट। ओके, तो बुझेगा ये कमी लिख, दीज लिखिक पठे थे मत एंड ठीक ही थिला, तो तुम्हें टिके ट्राए कर यही फर्माट्रे लिखापी। ओके, तो कलेज खोला जिते बड़े एग्जाम हम, तो जो जो क्वेश्चन दिखाई से गुरा हूँ कौन ना इंपोर्टाट क्वेश्चन एंड इच लंग क्वेश्चन रार्क के ना सेवेन मार्क, तो लंग क्वेश्चन रार्क रेवेन मार्क। जो सर्ट क्वेश्चन दिखाई आईदर थ्री थी और टू मार्क रे पड़िबो, जदि थ्री मार्क रे पड़ुची ताहले मिनिमम तीनटा पॉइंट लिखा को पड़िबो, दुई मार्क रे पड़िले ओनली दुईटा पॉइंट ही मेंशन करिवे को पड़िबो, बुझेला। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कौन थिला हमरो,
लॉन्ग क्वेश्चन टा हमर कौन थिला कम्युनिकेशन बॉस कम्युनिकेशन बॉस थिला हमर कम्युनिकेशन बॉस रे कौन रहइबो तो फर्स्ट रहइबो डेफिनेशन देखो जत्ते बेले भी कोनोसी क्वेश्चन आसुची फर्स्ट लिखिबो डेफिनेशन डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट तापर कौन लिखिबो ना टाइप्स टाइप्स तापर कौन लिखिबो ना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन बॉस देन वन बाय वन मेंशन करिबो कौन ना एड्रेस बॉस देन डेटा बॉस एंड लास्ट वन इज कंट्रोल बॉस बुझीगले तो ये फॉर्मेट रे लिखिबो डेफिनेशन लिखिया को केबे भी भूलिबो नहीं डेफिनेशन पचारु बा न पचारु जदि क्वेश्चन अछि देन तारो डेफिनेशन लिखिबो निहाती दरकार एटा थिला हमर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन तो हमर थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कौन थिला मेमोरी व्हाट इज मेमोरी डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ मेमोरी तो फर्स्ट आसे हो फर्स्ट पॉइंट कौन आसब मोर सेम डेफिनेशन तापर कौन आसब टाइप्स ऑफ मेमोरी अच्छा हमर फ्लो चार्ट तैयारी होता मेमोरी रो तो डेफिनेशन परे ना फ्लो चार्ट बनेब फ्लो चार्ट ऑफ मेमोरी मेमोरी रो डेफिनेशन पर कौन फ्लो चार्ट ऑफ मेमोरी ना गोटे पटे प्राइमरी आ गोटे पटे सेकेंडरी देन प्राइमरी रो पार्ट देन सेपटे सेकेंडरी रो पार्ट एंड प्राइमरी रे रैम रोम रहइबो रैम रोम अंडर रे कौन रहइबो रैम अंडर रे स्टैटिक एंड डायनामिक रोम अंडर रे पी रोम ई पी रोम एंड ई पी रोम सेमती सेकेंडरी रे कौन रहइबो ना हार्ड डिस्क एस एस डी एंड सी डी डी वी डी ओके ती रहा तो फ्लो चार्ट कला फर्स्ट कौन लिखे तुम आसब प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी डिफाइन कला प्राइमरी अंडर में कौन कौन अच्छी ना रैम अच्छी तो रैम को मेंशन करिवो रैम रो जो दुई टाइप अच्छी तार टाइप भी तुमको मेंशन करिवो ओके कौन एस रैम एंड डी रैम देन रोम लिखा हम मेंशन है एंड रोम रो भी टाइप्स कौन अच्छे पी रोम ईपी रोम एंड ईईपी रोम देन सेकेंडरी आसब कौन सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी रो डेफिनेशन लिखिबो डेफिनेशन लिखले पर तार जो टाइप अच्छे ना हार्ड डिस्क ड्राइव एंड एसएसडी CD, DVD, ओनली एग्जांपल दे दबो, ओके एग्जांपल दबो और लिखि दबो ए दीटा कोनो सेकेंडरी डिवाइस हमरो टू टाइप रो थाए गोटे मैग्नेटिक एंड गोटे ऑप्टिक तो ए दीटा होचे हमरो मैग्नेटिक एंड ए दीटा होचे हमरो एटा कोन हमरो मैग्नेटिक मेमोरी एटा कोन हमरो ऑप्टिकल ओके तो एमती ही तुम्हें पार्टीशन करिवो तो ये फॉर्मेट रे तुमको लिखे पड़िबो रैम लिखुच माने एस रैम भी मेंशन करिवो एंड डी रैम भी मेंशन करिवा को पड़िबो सॉरी एंड रोम लिखिले कौन कौन मेंशन करिया को पड़िबो ना कहितिले पी पी रोम ई पी रोम एंड ई पी रोम जदि मेमोरी क्वेश्चन आसला टोटल मार्क आम के 7 मार्क रोच तो 7 मार्क रो तुमको एतिक मेनशन करवा को पड़ो तुम जदि डेफिनेशन एंड फ्लो चार्ट जो इम्पोर्टेंट भी अच्छी फ्लो चार्ट भी तुम्हें जब डिजाइन करदे तो से तुमको मार्क आसीज बुझीगला तो मिनिमम तुमको एतिक 7 आउट ऑफ 7 आसवाक तुमको एतिक कौन करा पड़ो लिखा पड़ो टाइप्स ऑफ मेमोरी क्वेश्चन आसिले देन आउ तो सब थी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम
primary memory versus secondary memory, and hard disk versus SSD, CD versus DVD. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन ओनली तार कौन रहिबो ना फुल फॉर्म रहिबो फुल फॉर्म सहित तार यूजेस रहिबो जिमते कि सीडी यूज होची ओनली म्यूजिक लोड करिया पई बा ऑडियो लोड करिया पई एंड डीवीडी टा यूज होची कौन पई ना वर्सेटाइल डिस्क बोथ ऑडियो एंड वीडियो पई यूज होची हैला तो डिजाइन कवे हितला 1980s रे उठे 1990 रे उठे बुझेला तो देख तो एतिके ऑलरेडी हमें चैप्टर 1 रे डिस्कशन करी सरचे हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हितला तो जानी पार्थिव को क्वेश्चन रो आंसर किमिति लिखा हबो तो नेक्स्ट हमर दशहरा परे चैप्टर 1 रो गोटे एग्जाम हबो एग्जाम टेस्ट करिवा हमें ओनली शॉर्ट क्वेश्चन रहिबो 20 टा शॉर्ट क्वेश्चन रहिबो ओनली फिल इन द ब्लैंक्स और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन ओके तो एतिके तुम्हारा रहिबो एंड ता सहित मु तुमको लिंक प्रोवाइड कर देबी तुम्हारो टाइम ड्यूरेशन भी रहिबो टाइम ड्यूरेशन 20 क्वेश्चन मीन्स 20 मिनिट 20टा क्वेश्चन पे 20 मिनिट रे सॉल्व करबो या फिर तुमको दिया हितो 15 मिनिट 15 टू 20 मिनिट भीतर टाइम शेड्यूल कराय थिबो ओके तो जेबे एग्जाम होबो एग्जाम मा करबा अगुरु मु तुमको डेट टाइम सब एंड एग्जाम रो पासवर्ड सब मेंशन कर देबी तमे एग्जाम कोड यूज करबो एग्जाम कोड यूज करके एग्जाम दबो ओके तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करबा ना हमरो ई चैप्टर 2 फर्स्ट चैप्टर 1 रे में हार्डवेयर कांसेप्ट पढ़िथिले तो चैप्टर 2 रे हमें पढ़िबा सॉफ्टवेयर चैप्टर 2 रे हमें पढ़िबा ऑल कांसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर तो फर्स्ट बुझिबा सॉफ्टवेयर कौन एक्चुअली हमें हार्डवेयर टा को कौन करते हार्डवेयर टा को त हमें देखिले बट सॉफ्टवेयर टा को हमें देखि परिवानी सॉफ्टवेयर ओके तो सॉफ्टवेयर माने कौन सॉफ्टवेयर माने होची सिंपल इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन एंड वा और प्रोग्राम through which a computer a hardware हमें कही परिवा a hardware can run देखो software कौन हमें hardware तो देखिले तो software टा कौन सिंपल हमें जो कोडिंग करूचे बा हमें किसी इंस्ट्रक्शन दूचे किसी डेटा हमें पास करूचे ता माने हमें सॉफ्टवेयर रे ही काम करूचे विदाउट ए सॉफ्टवेयर गोटे हार्डवेयर केबे भी फंक्शनेबल हबो नाही जिमिति कि हमें समस्त जो फोन यूज करूचे सेथरे कोन अछि ना एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ही पड़ी छि यदि तुम्हारो सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो जीव खराब हो जीव ताहले तुम्हारो मोबाइल चलिबो कि मोबाइल चलिबो नहीं मोबाइल सिमिति नुआ थिबो बट तुम भितर रो माने मोबाइल भितर रो सॉफ्टवेयर यदि खराब हो जीव ताहले टोटल मोबाइल डैमेज हो जीव हैला तो एमिति कहि परबा जे हार्डवेयर को जे फंक्शनेबल करो जी ताको ही कोन कहा जाए ना सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग बा जो कोडिंग को हमें यूज करके जो इंस्ट्रक्शन दे के यूज कराउची ना हार्डवेयर को फंक्शनेबल करया पे इठी रन भी लिखि परिबो और फंक्शनेबल भी लिखि परिबो तो ताको कोन कहा जाए ना सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यदि क्वेश्चन आसला व्हाट इज सॉफ्टवेयर ना सिंपल कहबो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू व्हिच ए हार्डवेयर कैन रन और हार्डवेयर कैन बी अ फंक्शनेबल डिवाइस विदाउट ए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक्जिस्टिंग करिवने हैला एंड आउ गोटे जिनस गोटे हार्डवेयर नथिले सॉफ्टवेयर भी रन हबनी काहेकि ना एमाने होचंती परस्पर परिपूरक बा दिजण को ऊपर डिपेंडेंट गोटे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सबुबेले डिपेंड हेकि रहंती ओनली हार्डवेयर केबे फंक्शनेबल हे परिवनी कि ओनली सॉफ्टवेयर कोडे रन हे परिवनी सॉफ्टवेयर को रन हवा पई हार्डवेयर दरकार एंड हार्डवेयर को फंक्शनेबल हवा पई कोन दरकार ना सॉफ्टवेयर
दरकार बुझीगला। आमर जनरली सॉफ्टवेयर होची टू टाइप रो, तो सॉफ्टवेयर आम जो कह सॉफ्टवेयर आमर केते टाइप रो ना टू टाइप रो केते जन कहते केत बही देख तीन टाइप रो भी अच्छी केत बही दुई टाइप रो अच्छी तो जो आम स्टैंडर्ड को देखा तो आम दुई टाइप रो ही करा जाए हैला। तो आम जमीक आम प्लस टू रुईटा पब्लिकेशन आम फॉलो करा हो ची ब्यूरो एंड केपी दुईटा आकर आम अलग ही दिखाई ना सॉफ्टवेयर ब्यूरो दुईटा एंड केपी तीनटा बट आम फॉलो करने सॉफ्टवेयर हूँ दुईटा एंड जो थर्ड नंबरटा अच्छी थर्ड नंबर सॉफ्टवेयरटा बोथ ये दुईटा टाइप भितर ही आसीज तो से सिस्टम भी यूज के अमर कौन अलग भी यूज करा जाए एंड या भीतर ऐड भी करा जाए। तो सॉफ्टवेयर जनरली हमें देखा दुई टाइप रो गोटे होची ना सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड आउ गोटे होची अमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आम जो कौचे थर्ड सॉफ्टवेयरटा जोटा कि सॉफ्टवेयर भितर भी आसे बट जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भितर आसे बट से सिस्टम सॉफ्टवेयर भितर ये दुज सॉफ्टवेयर भितर ही पड़े आसे बेले बेले से सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई कम करे एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई भी कम करे तो कौन कह जाए ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओके। तो स्टैंडर्ड रे हमें कहबा दुईटा सॉफ्टवेयर ही ना गोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आउ गोटे होचे हमरो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड थर्ड टा जोटे रहिला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत गुडे बही रे भी देखिबो सेति पई मैं एटा मेंशन कर दूच हैला। एई सॉफ्टवेयर टा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टा बहुत सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर रे भी हमर आसे जेतेबेले गोटे 1/1 डिस्कशन करबा पढ़ा तो मुझे तुमको कहबि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किमी दुईटा जाक अंडर में आसूँ ओके। तो से बहुत गुड़े ऑथर कौन करती ना ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग से ही इंडिविजुअली कौन करती इंट्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट देखा आम सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छा टर्म रु डिफाइन करवा तो आम सॉफ्टवेयर बुझे कौन ना सेट ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जे के हार्डवेयर को फंक्शनेबल करोची बा जहाँ थ्रू रु के गोटे हार्डवेयर रन होची। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर होची से ही सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर की टोटल हार्डवेयर पार्ट को आमर कौन करोची ना फंक्शनेबल करोची जिमिति कि आमे कहि परिबा जे आमे जिमिति कहूचे सिस्टम सॉफ्टवेयर होची तुम्हार मोबाइल रे छ एंड्रॉइड फोन आमे जो यूज करूचे तुम पचार तुम मोबाइल रो ऑपरेटिंग सिस्टम पचरा जे को ऑपरेटिंग सिस्टम रो फोन यूज करुच तुम कौन कौच ना आम एंड्रॉइड फोन यूज करुचु आईफोन वाला मैंने कौन कहते ना आम iOS यूज करुचु मैंने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आम यूज करुचु बुझेगा। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयरटा कौन जहाँ थ्रू रु कि गोटे हार्डवेयरटा फंक्शनेबल हुए टोटल आमर जहाँ भी अच्छी जमती कि आम कंप्यूटर देखिले तो कंप्यूटर रे जो कनेक्ट होकर अच्छी टोटल कौन ना माउस कीबोर्ड एंड जहाँ भी आम डिवाइस हार्डवेयर सब कनेक्टेड होकर अच्छी जहाँ भी सीपीयू भितर कनेक्टेड होकर अच्छे से समस्त को फंक्शनेबल किए करोची कनेक्ट किए करोची ना सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट करोची बुझेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ता माने होची सिस्टम को फंक्शनेबल करोची बुझेगा। देन एटा अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने कौन एप्लीकेशन हूँ गोटे स्पेशल टास्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन थाए ना इट इज यूज फॉर स्पेशल टास्क लिखी दूची इट इज यूज फॉर स्पेशल टास्क ओके। आईटा कौन पे यूज हो टू एटा कौन पे यूज
instruction through which a hardware can run. हेला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन ना गोटे इंस्ट्रक्शन जहाद्वारा कि टोटल हार्डवेयर टाइम रन हम फंक्शनेबल हम बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन जनरली ना गोटे पर्टिकुलर टास्क तर गोटे स्पेसिफिक टास्क रोचे तो एग्जांपल रे केमिते कौन आसीबो हमरो सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर रे जिमती कि आमे कहूचे कि तुम्हारो कौन मोबाइल कौन अच्छी ना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम तो या अंडर रे कौन आसीबो ना एग्जांपल दे दूची एग्जांपल कौन आसीबो अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके जे आमे ऑपरेटिंग सिस्टम टा कहूचे सी ही हमर कौन ओडे ना सिस्टम सॉफ्टवेयर तमर कौन आसीबो एग्जांपल रे एंड्रॉइड टा होचे हमर ओडे सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके तो एप्लीकेशन रे कौन आसीबो सॉफ्टवेयर रे जिमिति के हमें यूज करूचे व्हाट्सएप अच्छा हमें ऐप यूज करूचे कि ना इमिति लिखूचे ऐप अच्छा ऐप्स माने कौन ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही कौन कहा ना हमर ऐप्स कहा तो हमर जितक ऐप्स अच्छे सबूतक क्या अंडर रे आसीबो ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर रे आसीबो बुझीला तुम मोबाइल रे जितक ऐप्स देखुच सबूतक क्या अंडर रे आसीबो ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर रे आसीबो बुझीला तुम्हें जान ली सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन ना फंक्शनेबल करमती कि आम गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जाणीचे मोबाइल रे हमर यूज होची कौन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन ना जमती कि हमर व्हाट्सएप हो पार फेसबुक हो पार गूगल क्लासरूम हो पार गूगल मीट हो पार जूम मीट हो पार ओके ए सबूतक आम क्या अंडर रे आसीबो ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर रे आसीबो तुम्हें कह वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एगुरा सबूतक क्या अंडर रे आसीबो आमर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर रे आसीजिबो बुझेला देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने जो जिनस को आम अप्लाई करूचु गोटे स्पेसिफिक टास्क जिमती कि गूगल क्लासरूम रे कौन गोटे स्पेसिफिक टास्क कौन ओनली से गोटे क्लासरूम एनवायरमेंट क्रिएट करूचे जोटे कि वीडियो अपलोड होची एंड स्टूडेंट कौन करुचंदी निजर कमेंट भी दोचंदी वीडियो देखुचंदी एंड कमेंट दोचंदी क्वेश्चन पचारुचंदी एंड तार से गोटे ही टास्क जदि व्हाट्सएप को देखिबा व्हाट्सएप रे गोटे सिंगल ही टास्क अछि कौन ओनली तुम्हें मेसेज सेंड कर पारिबो वीडियो कॉल कर पारिबो ओनली एति के ही तार काम अछि आउ तो किछि काम नै जदि हमें कहिबा गूगल मीट जो थे कि आमर ऑनलाइन लाइव क्लास होची सेटा कौन पाई यूज होची ना लाइव क्लास पाई यूज होची जो थे कि बहुत गुडे लोक आट ए टाइम कौन हो पारे देखा हो पार फेस टू फेस आमर कम्युनिकेशन हो पार डिफरेंट लोकेशन अलग अलग जगार रही भी है यूनिक टास्क रोचे कौन गूगल क्लासरूम टास्क जहाँ गूगल मीट रास्क सेम कि ना दीज जाक टास्क अलग तो आप्लिकेसन सफ्टवेयर डेफिनेशन कौन आसो ना इट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच हैज ए स्पेसिफिक टास्क जहाँ कि गोटे स्पेसिफिक टास्क रोचे ताकू कौन कहुचे ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहुचे ओके एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौटे को कहुचे ना जो सॉफ्टवेयर टोटल सिस्टम को कौन करेबो ना रन करेबो एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन वेरी सिंपल आमर जो एंटीवायरस यूज करुचे आम जहाँ भी एंटीवायरस यूज करुचे से गुरा कौन आमर एंटीवायरस मोबाइल रे भी समस्त घर थी एंटीवायरस ए एंटीवायरस हमर गोटे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओके दिस इज द बेसिक डेफिनेशन आमर चैप्टर टू रे थिला चैप्टर टू रे आम तीन टा जिनस ही पढ़वा कौन कौन ना सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर रे भी बहुत गुड़े जिनस अच्छे जोटा आम कवर करवा सेमती यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अंडर रे भी अच्छी बहुत गुड़े जिनस कवर करवा एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंडर रे भी आम बहुत गुड़े जिनस अच्छे जोटा कि आम
फर्दर नेक्स्ट क्लास रे हमरो कवर करिवा तो एटा थिले हमरो सेकंड चैप्टर रो बेसिक इंट्रोडक्शन जे हम कोन कोन पढ़िबा बुझियला थैंक यू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू ऑल